चलो बाबू, आज पढ़ेंगे हम खाद्य संसाधनों में सुधार के बारे में, क्यों आवश्यकता पड़ी खाद्य संसाधनों में सुधार के लिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पॉइंट देखिए, पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाएंगे, आप समझ लीजिए जब से जीवन संभव हुआ या जब से पृथ्वी पर जीवन आया तब से लेके आज तक प्रत्येक जीव को किसकी आवश्यकता है? भोजन की। समझ रहे, जनसंख्या हर दिन बढ़ती चली जा रही है। भारत में हर मिनट में लगभग 47 बच्चे पैदा होते हैं। आप सोच के देखो कितनी आबादी तेजी से बढ़ रही है। तो हम ऐसे में क्या कर सकते हैं? आपको मालूम है कि हमारे शरीर के विकास के लिए या हमें निरोगित रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? भोजन की ज़रूरत है। वो भी कैसे भोजन की ज़रूरत है? तो वो है हमें संतुलित भोजन की ज़रूरत। मतलब जितनी जनसंख्या है हमारे देश की, हर व्यक्ति को संतुलित भोजन अवेलेबल कराना बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए हम करेंगे क्या? हम करेंगे खाद्य संसाधनों में सुधार। आप जानते हैं कि पृथ्वी कभी बढ़ने वाली नहीं है। आप गांव वगैरह में सुनते होंगे, आपके बड़े बुजुर्ग इन बातों को कहते हैं कि पृथ्वी या ज़मीन कभी बढ़ेगी नहीं। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, आप देखते हैं कि जो ज़मीन खेती के लायक है वहां पर भी घर बनाए जाते हैं। अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे जो भूमि खेती के लायक है वहाँ पर घर बन जाएगा। जैसे समझ लो कि कोई व्यक्ति है, एक आदमी है जो खेती कर रहा है भूमि पर। अब उसके चार लड़के अगर पैदा हुए तो वो उस भूमि पर जब उनका बंटवारा होगा तो वो जिसके हिस्से में वो भूमि जाएगी वहाँ पे वो क्या बनवा लेगा? घर बनवाएगा। लेकिन सोच लीजिए कि जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन भूमि क्या हो रही है? घट रही है। जैसे जैसे क्या होगी? अब देखिए, आधी भूमि तो बंजर भी होती चली जा रही है। हम जब बराबर हम जैव रासायनिक पदार्थों का प्रयोग, हम केमिकल का इस्तेमाल, ज्यादा से ज्यादा यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारी पृथ्वी यानी कि हमारी भूमि जहां हम खेती करते हैं उसकी उर्वरा शक्ति कम होती है। तो हमें करना क्या है कि भूमि जो है वो कम होती जा रही है, मतलब खेती की जमीन कम होती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो हमें क्या करना चाहिए कि खाद्य पदार्थों में हमें किन किन चीजों का सुधार करना है, वही हम आज जानेंगे। जैसे कुछ पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि मान लेते हैं कोई ऐसा पौधा है जो एक पौधा है वो चार फल हमें प्रदान कर रहा है। कोई एक पौधा हमें चार फल प्रदान कर रहा है और जनसंख्या 5 हो जाए तो हम क्या करेंगे? हम ऐसे पौधे की उत्पत्ति करेंगे, ऐसी खेत की उत्पत्ति करेंगे, ऐसी भूमि बनाएंगे, ऐसी उर्वरा शक्ति बनाएंगे, ऐसी किस्म का फल या पेड़ लगाएंगे जिसमें 5 फल लगें, ताकि हम 5 व्यक्ति को भोजन करा सके और संतुलित भोजन करा सके। तो उसी के सार में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे कि क्या है खाद्य संसाधन में सुधार, कारण क्या है कि हमें खाद्य पदार्थों में दिन ब दिन या रोज सुधार करना पड़ता है। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है, वो है आपकी जनसंख्या। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारे देश की जनसंख्या मात्र 11 करोड़ थी, और आप अब देख लीजिए सन 2011 की जनगणना में लगभग अथाह वृद्धि, इतनी वृद्धि हुई है पूछिए मत। वर्तमान समय में हमारे देश की जनसंख्या 135 करोड़ हो गई। 11 करोड़ से हम 135 करोड़, कितनी तेजी से 72 से 75 सालों में हम कितना तेजी से विकास कर रहे हैं केवल जनसंख्या के दृष्टिकोण से। केवल हम एक ही चीज़ में विकास कर रहे हैं। हालांकि हमारे देश में बहुत सी ऐसी प्रतिभाएं हैं लेकिन सबसे ज़्यादा विकास हो रहा है तो वो जनसंख्या के क्षेत्र में। देखिए अथाह पैदा, मतलब हर मिनट में 47 बच्चे पैदा हो रहे हैं। जब तक मैंने आपको इतना पॉइंट समझाया कई घर में खुशियां पैदा हो गई होंगी, है कि नहीं? तैयारी हो रही, कहीं लड्डू बट रहे होंगे, कहीं कुछ ना कुछ चल रहा होगा। मतलब हर मिनट में 47 बच्चे। अमेरिका की बात करें तो लगभग हर मिनट में 3 बच्चे पैदा होते हैं, हमारे यहाँ 47 होते हैं। गजब का विकास भाई। आगे बात करते हैं भोजन की। क्या होता है भोजन? तो वह पदार्थ जिसे, या वह भोज्य पदार्थ जिसे हम ऊर्जा के रूप में ग्रहण करते हैं वो कहलाता है भोजन।
क्यों आवश्यकता है भोजन की? तो जिस प्रकार से किसी मशीन को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी प्रकार से हमारा शरीर भी एक मशीन की तरह, आवाज़ कम करें तो बहुत बेटर है, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। बात करेंगे हम किसके बारे में, भोजन के। तो क्यों आवश्यकता है भोजन की? तो जिस प्रकार से किसी मशीन को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, यानी कि एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। वो ऊर्जा हमें कहाँ से उपलब्ध होती है? तो वो ऊर्जा हमें उपलब्ध होती है भोजन से। या अगर परिभाषा की बात कर दे कोई कि भोजन कहते किसे हैं, तो वह भोज्य पदार्थ जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है, एकदम आसान लहजे में समझे कि जिस वस्तु का हम भक्षण करते हैं, उपभोग करते हैं, और वह वस्तु हमें क्या देती है, ऊर्जा देती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, भोजन बोलते हैं। क्लियर है? तो भाई भोजन, अब आपको मैं बता दूं, हमारे देश में ऐसे कई व्यक्ति हैं, पूरी दुनिया में जितने अमीर हैं, अगर वो केवल अपने एक दिन की इनकम दे दें, केवल एक दिन की इनकम दे दें, तो दुनिया के हर देश से भुखमरी को मिटाया जा सकता है। आज हमारा देश इतना डेवलप है, लेकिन आज भी 20% ऐसे लोग हैं जो भूख की वजह से मर जाते हैं। समझ रहे? भूख की वजह से हम इतना डेवलप तो हो गए, लेकिन आज भी हमारे देश में कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे घर हैं जहां पीने का पानी तक मुहैया नहीं है, जहां पे बिजली तक उपलब्ध नहीं है। समझ रहे? किसी के पास संसाधन इतना ज़्यादा है, जैसे हम लोग जिस जगह पे बिलोंग करते हैं, यहां पे हम पानी का मिसयूज करते हैं क्योंकि हमारे पास पानी का भंडार है। लेकिन आप राजस्थान चले जाएं, वहां देखें पानी की कितनी वैल्यू है, कितना वैल्यूएबल है पानी। हमारे यहाँ कोई वैल्यू नहीं, गाय धोई जा रही है ना, भाई साहब की साइकिल धोई जा रही है, तो कोई अपना है ना, जरा सा वो जूता पे लग गया तो पूरा जूता धो देगा। पानी की वैल्यू अभी नहीं हो रही है, इन फ्यूचर हम पानी के लिए तरसने वाले हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मिसयूज कर रहे हैं पानी का। क्लियर है? आगे समझते हैं। समझते बेटा, फिर हुआ क्या कि जब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो हमें ज़रूरत किस चीज़ की पड़ेगी, क्रांति। होती क्या है क्रांति, जब किसी भी क्षेत्र में, वो कोई भी क्षेत्र हो, वो विज्ञान का क्षेत्र हो, वो या फिर फसल का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, या मछली किसी की चीज़ का क्षेत्र हो, जब उसमें आशा से ज़्यादा वृद्धि हो जाए, चाहे जनसंख्या की बात आप पढ़ते होंगे, जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट का मतलब ये नहीं होता कि अचानक से जनसंख्या फट गया, कुछ फट गया तो उसमें से बहुत ज़्यादा जनसंख्या, नहीं। जनसंख्या का काफ़ी तेज़ी से बढ़ना, किसी चीज़ का बहुत तेज़ी से फैलना, वो क्रांति कहलाता है। समझ रहे हैं ना? आज हम उन्हीं क्रांतियों के बारे में पढ़ेंगे। भोजन हम समझ ही रहे हैं कि खाद्य पदार्थ, वे पदार्थ जिनका हम उपभोग करते हैं, उनमें हम किस प्रकार से क्रांति ला सकते हैं, कैसे बदलाव ला सकते हैं, हम समझेंगे। पहली क्रांति है हरित क्रांति। याद रखेंगे, अगर पूछा जाए हरित क्रांति किससे रिलेटेड है, किससे जुड़ी हुई है, तो हरित क्रांति कृषि से जुड़ी हुई है। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि क्रांति का मतलब होता है तेजी से विकास करना। तो समझते हैं हरित क्रांति किसे कहते हैं। तो आप कहेंगे कि कृषि के क्षेत्र में आशा से अधिक उत्पादन, कृषि के क्षेत्र में आशा से अधिक उत्पादन क्या कहलाता है, हरित क्रांति कहलाता है। समझिए, तोड़ के समझते हैं। मान लेते हैं कोई आपकी भूमि है जिसमें आप चाहते हैं या आप जानते हैं कि इस खेत में 5 क्विंटल गेहूं होगा, और अचानक से, यानी कि जब आप फसल का उत्पादन करते हैं, आप अच्छे उर्वरक देते हैं, अच्छी किस्म की फसल लगाते हैं, उसके बाद उसमें हो जाए 25 क्विंटल, तो आप सोचिए, आपने सोचा था 5 क्विंटल और वो उसका 4 गुना ज़्यादा निकला, तो क्या होगा, इसे बोलेंगे हरित क्रांति। आशा से जितना हमने सोचा उससे कहीं ज़्यादा उत्पादन अगर हो जाए तो उसे हम क्रांति बोलेंगे। और कृषि के क्षेत्र में अगर बहुत तेजी से मतलब आशा से ज़्यादा वृद्धि हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं हरित क्रांति। जब पहली बार इंदिरा जी ने वो यूरिया को लेके आई, जब वो भारत में यूरिया लेके आई थी, उसी समय से हरित क्रांति चालू हुई।
समझ रहे हैं ना, मतलब वो उर्वरक, लेकिन उन्होंने केवल उर्वरा शक्ति, वो एक उत्प्रेरक का काम करता है। आज एक दौर बन चुका है यूरिया का। आपका भोजन, आप गेहूं वगैरह देख लीजिए, केवल हम यूरिया से निकालना चाहते हैं। इतना यूरिया खेत में डाल देते हैं, उत्पादन तो हो जाता है, लेकिन आपकी जो भूमि है, जो खेती वाली भूमि है, उसकी उर्वरा शक्ति कम होती चली जाएगी और आधी से ज़्यादा भूमि बंजर हो जाएंगी अगर इसी प्रकार से यूरिया का इस्तेमाल किया गया तो। आगे समझते हैं श्वेत क्रांति, पॉइंट समझेंगे। हरित क्रांति वो कृषि से रिलेटेड है, श्वेत क्रांति है दूध से रिलेटेड। भारत को बोला जाता है पशु प्रधान देश, मतलब पूरी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा पशु किसी देश में पाले जाते हैं तो वो है भारत। समझ रहे हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पशु कहाँ पाले जाते हैं, भारत में पाले जाते हैं। और पूरी दुनिया में दुग्ध उत्पादन, दूध सबसे ज़्यादा कोई देश उत्पादित करता है तो वो भारत। अब ऐसा है भाई, जिसके पास ज़्यादा जानवर होंगे, दुधारू पशु होंगे, वही तो दूध पैदा करेगा। अब जिसके अगर कुछ बैले बदा होगा, उसका दूध लाएगा कुछ और ही लेके आएगा, फिलहाल समझो है ना, वो भाई कृषि के क्षेत्र में लाएगा क्योंकि बैल है उसके पास, ठीक है। श्वेत क्रांति दूध के क्षेत्र में है ना, बहुत ज़्यादा उत्पादन। अब क्या किया जाता है इसमें कि अच्छी नस्ल के जानवर पाले जाते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा दूध देती है ना, कौन सी गाय सबसे ज़्यादा दूध देती है ना, कौन सी भैंस सबसे ज़्यादा दूध देती है, किसकी नस्ल बहुत अच्छी है ना, किसका जो बच्चा होगा वो बहुत हष्ट पुष्ट पैदा होगा। इसी में लगातार क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। लगातार विज्ञान इन सारी चीज़ों पर काम कर रहा है, आज भी काम कर रहा है। रोज नई नई फसलें, नई नई किस्म की फसल, नए नए किस्म के जानवर। आप देख रहे हैं ना, आपके घर गाय किसी और वैरायटी की होती है और आपका जो बछवा बछिया जो पैदा होता है वो कुछ नया हो जाता है। तो वो किस पे डिपेंड करता है, उसके लगातार हम किस्मों में क्या कर रहे हैं, लगातार हम किसी जीव, देखिए आप जब पढ़ेंगे जीन इंजीनियरिंग तो आप उसमें जानेंगे कि किसी जीव के जीन में परिवर्तन करके हम नई जाति की उत्पत्ति कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, गधा आप देखे हैं, घोड़ा आप देखे हैं, दोनों का क्रॉस करवाएंगे तो खच्चर पैदा होगा जो घोड़े जैसा होता है और मेहनत गधे जैसा करता है। मतलब देखने में आपको लगेगा, आप जिसको सड़क पे देखते हैं वो खच्चर होता है, जिसको बैलगाड़ी जैसा यूज किया जाता है वो खच्चर होता है, वो क्रॉस जेंडर है, मतलब वो किसका, वो गधे और घोड़े का क्या है, मिक्सअप है, मिलाने के बाद उसे संकर बोला जाता है। आप गांव में एक नॉर्मल वर्ड यूज करते हैं, आप आम बोलचाल की भाषा में एक वर्ड यूज करते हैं हाइब्रिड, जिसका मतलब क्या होता है, उसका मीन होता है संकर। तो ऐसा पौधा जिसमें दो पौधों के लक्षण, या ऐसा जीव जिसमें दो जीवों के लक्षण पाए जाते हैं, उसे हिंदी में बोला जाता है संकर और अंग्रेजी में बोला जाता है हाइब्रिड। समझ गए। तो जो श्वेत क्रांति होती है वो आती है दूध के क्षेत्र में, ठीक है। अगला पॉइंट है नीली क्रांति, इसे बोला जाता है मछली वाले, मत्स्य विभाग में, मछली के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा क्रांति आ जाए, मतलब बहुत ज़्यादा मछलियाँ, ऐसी मछली बनाई जाए या उसमें ऐसा परिवर्तन करके दिया जाए जिसमें प्रोटीन की मात्रा मछली में, जब देखा गया कि लोगों में प्रोटीन की कमी हो रही है तो उन्हें डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप मछली खाओ। हालांकि वेजिटेरियन लोग दाल वगैरह खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आज मछली खाना, लूटपाट मचा दें, ठीक है, कम पड़ जाएगा, ठीक है, समझिए। नीली क्रांति किससे रिलेटेड है, तो मछली से रिलेटेड है, ठीक है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरित क्रांति किससे रिलेटेड है, कृषि से। श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है, दूध से। नीली क्रांति किससे, मछली से, मत्स्य पालन। अब देखिए बहुत तेजी से मछली पालन बढ़ रहा है क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, खाने को लोग क्या करेंगे, फिर प्रोटीन की मात्रा, प्रोटीन ज़्यादा चाहिए तो जमीन तो कम हो रही है तो प्रोटीन दाल वगैरह तो सीमित क्षेत्र तक रह जाएंगे, जिसके पास होगी पहली चीज़ तो वो बेचेगा नहीं। बीच में आ रहा था ना, ऐसा सिस्टम चल रहा था कि कुछ लोग बिचौलिए जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, दाल वगैरह को स्टोर करके रख लेते हैं, समझ रहे हैं, स्टोर करके रख लेंगे, 40 का स्टोर करके रखेंगे, फिर बाद में वो 80 का बेचेंगे तो भूखमरी होगी कि नहीं होगी। तो वही व्यक्ति खरीद सकेगा जिसके पास उतना सामर्थ्य होगा। अब उसको 40 रुपये का मछली मिल जा रही है, 80 रुपये का दाल मिलेगी, तो बताओ वो दाल खाएगा कि मछली खाएगा, जाहिर सी बात है वो मछली खाएगा क्योंकि उसे प्रोटीन की। तो ऐसी वैरायटी की मछलियाँ बनाई जाएंगी, बनी है ना, मतलब उनमें परिवर्तन लगातार किया जाएगा जिससे उनका उत्पादन काफ़ी तेज़ी से बढ़ सके, 14 दिन में मछली तैयार हो जाए, ले जाओ भैया, बट रहा है ना,
तो धड़ाधड़ जल्दी जल्दी वो अगर तैयार होंगी तो जाहिर सी बात है क्रांति हो गई ना। बहुत ज्यादा मछलियां भाई, किसी पोखरे में 2 मछली थी और 14 दिन के बाद 100 हो जाए तो अचानक से बढ़ जाएंगे, अरे गड़बड़ा गजब हो गया यार ये तो क्या है, क्रांति है ना, समझ गए बात को। आगे बात करते हैं खेती किसे कहते हैं। तो किसी क्षेत्र में फसल को उगाना या जिस क्षेत्र में एक से अधिक किसी एक पौधे की एक से अधिक है ना, कोई एक पौधा एक से अधिक मात्रा में उगाया जाता है उसे हम खेती बोलते हैं। आसान भाषा में समझो, गेहूं लंबा कोई क्षेत्र है, कोई बहुत बड़ा 1 बीघा का 2 बीघे का है या 1 बिसवा 2 बिसवा जो भी हो, उसमें आप किसी एक पौधे को उगाए हैं। ऐसा नहीं कि एक ठो रहर है, एक ठो गेहूं है, हाँ एक ठो धान है, तो पुदीना है, हाँ ना गाजर है, मूली सब उगाए हैं तो वो फसल नहीं, तब उसे फसल ही पौधा बोलेंगे। फसल जब किसी विशेष क्षेत्र में किसी एक ही पौधे को अधिक मात्रा में उगाया जाए तो उसे बोलते हैं फसल। वह पौधा जो किसी विशेष क्षेत्र में उगाया जाता है उसे बोला जाता है फसली पौधा, समझ गए बात को। आगे हम बात करेंगे फसल के प्रकार के बारे में। तो जलवायु के मिश्रित खेती, एक वर्ड है मिश्रित खेती, कभी कभार आपसे पूछ लिया जाता है कि क्या होती है मिश्रित खेती। देखिए मिश्रित खेती एकदम आम भाषा में समझिए, गांव वगैरह में यही खेती की जाती है। कैसे की जाती है मिश्रित खेती, गेहूं को बो दिया है ना, गेहूं बो दिया उसके बाद इधर बरसिंग वगैरह बो दिया, तो एक साथ कई चीजों का उत्पादन क्या कहलाता है मिश्रित खेती। कैसे रिलेटेड है, मान लेते हैं आपने खेती किया, आपने गेहूं लगाया हुआ है या धान लगाया हुआ है, ठीक है, तो पशुपालन पशुओं के जो अपशिष्ट पदार्थ जैसे गोबर वगैरह है इसे आप खेत में डाल देंगे, तो जो आपकी खेती है वो पशु से जुड़ गई, और खेती के बाद खेती से फसल से गेहूं से जो भूसा वगैरह आएगा, अनाज वगैरह आएगा, मान लेते हैं दर्रा वगैरह जिसको हम बनवाएंगे चारा, वो हम किसे देंगे, पशु को देंगे। तो उसके बाद पशु का अपशिष्ट कभी कभार, अब जो फसल से जो कुछ मिला है उसे मछलियों को खिला देंगे, तो ये क्या हो गया मिश्रित हो गया कि नहीं। हर एक दूसरे से, जैसे पशु किससे जुड़ गया, कृषि से, कृषि से कौन जुड़ गया, पशु, मतलब ये एक दोनों, मतलब एक साथ कई चीज़ों को हम उगा रहे हैं, कई चीज़ों का हम उत्पादन कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे मिश्रित खेती बोलेंगे, ठीक है। आगे समझते हैं फसल के प्रकार। जलवायु के आधार पर, जलवायु क्या होती है, मौसम क्या होता है, मौसम वह होता है जो पल पल बदल जाए, मौसम वह होता है जो पल पल बदल जाए उसे हम मौसम बोलते हैं, और जलवायु जो कम से कम 2 साल या 8 साल में परिवर्तित हो उसे हम बोलते हैं जलवायु। तो जलवायु के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, पहली होती है खरीफ, दूसरी होती है रबी, और तीसरी होती है जायद फसल, ठीक है। आगे बात करेंगे क्या होती है खरीफ फसल। देखिए खरीफ फसल पॉइंट जरूर याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि खरीफ कब उगाई जाती है, तो जून महीने में, जून के महीने में बोई जाती है और अक्टूबर तक काट ली जाती है। इसका उदाहरण है धान, अरहर और मक्का। आसान भाषा में मैं आपको तोड़ के बताता हूँ, रवि फसल का मतलब वह फसल जब सूरज दिखाई नहीं देता तब बोई जाती है, खरीफ वह फसल जब सूरज दिखाई देता है तब बोई जाती है। रबी मतलब क्या होता है, सूर्य, तो यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य दिखाई दे रहा, जब सूर्य दिखाई नहीं देता अर्थात ठंडी में, तो ठंडी कब से चालू होती है, नवंबर, कब से, नवंबर। तो जब रबी दिखाई नहीं देता मतलब सूरज दिखाई नहीं देता, जो फसल बोई जाती है उसे हम बोलते हैं रबी फसल। जैसे वो आप तो ये जानते हैं कि ठंडी कब चालू होती है हमारे यहाँ, तो नवंबर से चालू होती है और अप्रैल तक ख़त्म हो जाती है। अब मार्च है, देख रहे हैं ना, मार्च का महीना चल रहा है ना, बस कल से मार्च आपका आ ही गया। अब जैसे जैसे मार्च आएगा ठंडी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, ख़त्म, और अप्रैल आते आते एकदम ठंडी गायब। तो जून में बोई जाती है, अब जून में आप जानते हैं धान वगैरह की रुपाई कब होती है, तो जून में होती है, और अक्टूबर वही ठंडी जैसे जैसे खत्म होने वाली, शुरू होने वाली होती है, धान को काटे ठंडी, हमने भैया धान पीटा जाता है सवेरे सवेरे जब मम्मी जगा देती है तो कितना अजीब सा लगता है, अजीब मज़ा आता है कि नहीं, उठने का मन नहीं लेकिन क्या करें मजबूरी से हाथ बंधे हुए हैं, ठीक है। तो धान अरहर मक्का कब बोए जाते हैं, जून के महीने में, तो ये कौन सी फसल है, खरीफ। दूसरी रबी, वह फसल जो सूरज दिखा मतलब ठंडी वगैरह में बोई जाती है, जैसे नवंबर से लेके, पॉइंट यह याद रखना, बोई कब जाती है, जून में, और काटी कब जाती है, अक्टूबर में, उसे बोलते हैं हम कैसी फसल, खरीफ फसल, धान अरहर मक्का उसमें आते हैं।
रबी फसल वह फसल जो ठंडी में बोई जाती है, यानी कि नवंबर में बोई जाती है, अप्रैल में काट ली जाती है, उसे हम बोलते हैं रबी फसल। जैसे गेहूं, अभी जानते ही देख रहे हैं गेहूं कटने ही वाला है। कब कटेगा, कब तक? अप्रैल में कट जाएगा, मार्च चल रहा है, बस लगने वाली है कटिया। भैया मेहनत से पढ़िए। जैसे गेहूँ, चना, मटर, ठीक है। आगे बात करेंगे जायद, एकदम है ना चुरकटई वाली फसल इसको बोलते हैं नॉर्मल भाषा में। जैसे देखिए, अब आपका यहाँ हो गया अप्रैल, आपका बचा अप्रैल से मई बचा, और उसके बाद जून। इधर देखिए, जून में क्या बो देते हैं हम? धान। लेकिन यहाँ पे अप्रैल खत्म हो गया, अप्रैल के बाद हमारे पास एक महीना बचा ना, मई जून, है ना, बचा कि नहीं? मई अप्रैल, भाई अप्रैल लास्ट तक हो जाता है, तो कुछ लोग जिनका खेत खाली हो जाता है अप्रैल तक, तो अप्रैल मई जून तीन महीना इनके पास बचता है, उसमें क्या बो देते हैं? कुछ लोग खीरा लगा देते हैं, कुछ तरबूज लगा देते हैं, कुछ खरबूज लगा देते हैं, कोनो ककड़ी लगा देगा, है ना, और कुछ और कटवा घुस जाएंगे। वो एक तो लगाया है तो चरमिला घुसेंगे, है ना, क्योंकि इस महीने में कुछ है नहीं, खाली है भाई। स्कूल भी बंद होते हैं अप्रैल में, आपका स्कूल वही लास्ट वाला खुलता है, और वैसे मई जाते जाते मई बंद हो जाएगा, जून बंद हो जाएगा, जुलाई खुल जाएगा, तब तक तो कई लोग का ककड़ी कांड हो गया है कि नहीं। इसको आम बोलचाल की भाषा में हम सलाद वाली सब्जियां बोलते हैं, मतलब सलाद जिनको है ना रास्ते से गुजरते दूसरों का खरीद के में से थोड़ा खाते खाते चल दिया घर, है ना, कौन तरबूजा देख लिया बड़ा वाला है, बस तोड़ के चोरा के लेके चल दिया, झोला वोला लेके जाते हैं, कुछ बरिया लेके जाते हैं चोरा ने, चोर कटवा, समझ रहे हैं ना। तो जायद फसल वह फसल, देखिए जून से अक्टूबर, आपके पास जून से अक्टूबर, या फिर नवंबर से अप्रैल, जून जुलाई है ना, मई अप्रैल मई जून, तीन महीना आपके पास बच रहा है, इसी में तरबूज खरबूज की खेती की जाती है। अब देख रहे ना, जैसे ही आपका गेहूं कटेगा वैसे ही इन फसलों को लगा दिया जाएगा, और गर्मी के मौसम में आप यही खाते हैं, तरबूज लाल वाला है ना, और खरबूज, यही सब आप खाते हैं, क्लियर है। आगे बात करते हैं भैया उत्पादन, हम किन किन चीज़ों का खेती के क्षेत्र में हम कौन कौन सी चीज़ें उगाते हैं, तो हम अनाज उगाते हैं, अनाज, पॉइंट समझना, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उत्पादन, अनाज में हम क्या उगाते हैं? गेहूं, चावल, मक्का, हालांकि सभी अनाज में ही आते हैं, लेकिन हम स्पेशली समझेंगे कि अनाज में हम क्या उगाते हैं, गेहूं, चावल, मक्का। मिलता क्या है इनसे हमें? कार्बोहाइड्रेट, पॉइंट समझते चलना। दाल, आपको मालूम होना चाहिए दाल में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? प्रोटीन। तो दाल किससे बनाई जाती है? चना, एकदम आसान भाषा में समझो, वह फसल जो द्विबीजपत्री, मतलब जो दो भागों में बंट जाए, वही दाल वाली कैटेगरी में आएंगे। चना तोड़ेंगे दो भाग में, मटर तोड़ेंगे दो भाग में, उड़द, उड़दी जिसको गांव में बोलते हैं, तोड़ेंगे तो दो भाग में। मिलता क्या इनसे? प्रोटीन। उड़द की दाल खाया कीजिए, बहुत फायदेमंद है, चूटा जैसे दिखती तो है लेकिन खाना चाहिए। तेल, वह फसलें जिनसे तेल प्राप्त होता है, जैसे मूंगफली पीस के हम तेल बनवा सकते हैं, सरसों, सूरजमुखी, है ना, इनसे हमें क्या मिलता है? वसा मिलता है, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। फल, कुछ फल भी हम उगाते हैं, जैसे आम, संतरा, केला, इनसे मिलता क्या है? फल से हमें विटामिन मिलती है, खनिज मिलती है, वसा भी मिलता है, कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है। वैसे सब्जियां, आलू, हालांकि आलू टमाटर को फल वाली कैटेगरी में रखा जाता है, सब्जियां, आलू टमाटर, इनसे क्या? देखिए पॉइंट जरूर याद रखना, फल और सब्जी दोनों एक दूसरे से सिमिलर हैं, मिलते जुलते हैं। जिस प्रकार से फल में विटामिन, खनिज, वसा, कार्बोहाइड्रेट चारों पाया जाता है, उसी प्रकार से सब्जियों में भी विटामिन भी पाई जाती है, खनिज भी पाया जाता है, वसा भी पाया जाता है, और कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। आगे हम बात करेंगे मसाले, कुछ ऐसी सब्जियां, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका इस्तेमाल हम मसाला में करते हैं। भाई कितना बात करते हैं आप लोग, ठीक है। हल्दी, धनिया, मिर्च, आप इनका इस्तेमाल करते हैं। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, जितना तीखा खाएंगे उतनी मेमोरी आपकी तेज होगी। अब ऐसा नहीं है कि मिक्सर में ले जाके एक तो पूरा तीखा वाला मसाला एकदम पीस के खाली पी लो, कहोगे कल मुझे कुछ याद है रहेगा, नहीं, तीखा खाने की आदत डालिए। लड़कियों को देखते हैं ना, तीखा सबसे ज़्यादा खाती है, मेमोरी देखो एकदम स्ट्रांग वाला, इन्हें कुछ ना भुलाएंगी, शायद इन फ्यूचर कुछ भुला जाए। जब आप गैर जिम्मेदार हो जाएंगे तो कोई भी रहेगा वो भूल जाएगा, लेकिन तीखा सबसे ज़्यादा यही खाती है। फुल्की वाले तो भैया और तीखा दीजिए, खा लेंगे बहुत तीखा, और दीजिए थोड़ा सा और तीखा कीजिए, मतलब हिलाते रहेंगे एंटीना, लेकिन और तीखा देते जाइए, समझिए पॉइंट को। आगे मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्च काम क्या करते हैं? आपके इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने का काम करते हैं। कभी कुटा उटा जाते हैं भाई साहब, पीठ उठ लाल हो जाती है, तो क्या पीते हैं? हल्दी वाला दूध, है ना, तो वो क्या करता है? रोग प्रतिरोधकता को बढ़ाता है,
समझ रहे हैं, जो कुटाए होंगे वो समझेंगे इस बात को। चारा वाली फसलें, वह फसलें जिनका इस्तेमाल हम चारा में करते हैं, जैसे बरसिंग, जिसको हम बोलते हैं गांव में बोलते हैं बरसिंग, वो बरसिंग नहीं, वो क्या होती है, बरसीम और जई, ये हम पशुओं को खिलाते हैं जिससे दुग्ध उत्पादन की क्षमता बढ़ती है। अगला पॉइंट, फसल उत्पादन में वृद्धि। हम कैसे करेंगे फसल उत्पादन में वृद्धि, तो समझिए सन 1952 से लेके सन 2010 तक का ये सर्वे है। 1952 से लेके सन 2010 तक जो भूमि थी, मतलब जो बंजर भूमि को कृषि के लायक बनाया गया, वो कितनी प्रतिशत, तो 25% भूमि को हम कृषि जैसा बना दिए, जबकि उत्पादन कितना बढ़ा, उत्पादन कितना बढ़ गया, 4 गुना। भाई अब जब भूमि बढ़ेगी तो अच्छी किस्म के हम फसल लगाएंगे तो उत्पादन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो हरित क्रांति आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। अब बात करेंगे हम कैसे सुधार कर सकते हैं फसल में, तो फसल किस्मों में हम कैसे सुधार कर सकते हैं, पहले हम क्या कैसे करेंगे, फसल किस्म वैरायटी, जिस फसल को हम बो रहे हैं वो अच्छी किस्म का हो। दूसरा, उसके सही प्रबंधन, पानी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, उर्वरक की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छी उर्वरक शक्ति का खेत होना चाहिए, ऐसा नहीं बंजर में ले जाके बढ़िया वाला गेहूँ छीट के चले आए, अब कहेंगे हुआ नहीं, ठीक है। फसल सुरक्षा प्रबंधन, उसकी देख रेख करनी चाहिए, ऐसा नहीं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे विस्तार से, ऐसा नहीं कि केवल आपने बो दिया आप उसको सिंचाई ना करिए, है ना, उसका कोई प्रबंधन नहीं करेंगे तो फसल उत्पादन सही तरीके से नहीं होगा। पॉइंट समझ में आ गया, मिलते अगले वीडियो में, जय हिंद।